उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो वीडियो बनाया था वो मेरे फोन में है, सदन में निलंबित सांसदों पर चर्चा क्यों नहीं होती। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया था, ये वीडियो वायरल हुआ था जब टीएमसी के सांसद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे और उस वक्त राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ, इस पर तमाम सवाल उठे कि राहुल गांधी इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि एक संवैधानिक पद पर आसीन किसी शख्स का अपमान हो रहा हो और वो हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इसी सवाल का जवाब राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि जो वीडियो उन्होंने बनाया वो किसी को शेयर नहीं किया है, बल्कि वो वीडियो इनके फोन में ही है। सदन में निलंबित सांसदों पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात भी राहुल गांधी कह रहे हैं। किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे किसानों का अपमान किया? नहीं नहीं, सुनिए, देखिए, वहाँ पे हमारे 150 एमपी को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। वहीं मिमिक्री मामले पर आज उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में अपना विरोध जताया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही कहा कि वो वीडियोग्राफी में आनंद आता है, क्या यही संस्कार है उनके? किसान समाज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, उपराष्ट्रपति पद की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए, ये बात उन्होंने सदन के अंदर कही। वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर मैं ये है, दिग्विजय सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है? नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर, आप, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। इधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज चित्रकूट के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कसहाई गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, तस्वीरें आपके सामने, आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल भी जाना। चित्रकूट के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कसहाई गांव पहुंची, आंगनबाड़ी केंद्रों में किस तरह से काम चल रहा है, संचालन हो रहा है, इसका उन्होंने निरीक्षण भी किया है। तो यहां पर महिलाओं को, गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर किस तरह से सेवा मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका जो हक है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तमाम बातचीत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की।
यूपी में अप्रैल 2024 से शराब महंगी हो जाएगी। एयरपोर्ट के तर्ज पर रेलवे मेट्रो स्टेशन पर भी अब प्रीमियम ब्रांड की शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। दुकान खोलने के लिए रेलवे और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इजाजत लेनी होगी। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का ऐलान किया। इसके तहत अंग्रेजी शराब, बियर, मॉडल शॉप की दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस में 10% का इजाफा होगा। दरअसल आबकारी से 50,000 करोड़ रुपए के राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आबकारी नीति के मुताबिक अप्रैल 2024 से शराब की लाइसेंस फीस 10% महंगी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इससे शराब के दामों में भी इजाफा होगा। लेकिन कुछ बड़े फैसले भी आबकारी नीति में किए गए हैं। एक नया फैसला लिया गया है जिसके मुताबिक अब मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी प्रीमियम ब्रांड की शराब मिल सकेगी। हालांकि कुछ शर्तें लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर शराब की रिटेल शॉप खोलने के लिए रेलवे से अनुमति लेनी होगी, तो वहीं मेट्रो स्टेशन पर शराब की दुकानें खोलने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। इधर सहारनपुर से आज कांग्रेस ने यूपी जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की है। माता शाकंभरी देवी का दर्शन पूजन कर कांग्रेस की यूपी जोड़ो पदयात्रा का आगाज हुआ। गंगो से शुरू होने वाली यूपी जोड़ो पदयात्रा से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन किए। यूपी जोड़ो यात्रा 18 दिन बाद यूपी के अलग अलग जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। तो 18 दिनों में अलग अलग जिलों का दौरा करेगी। यूपी जोड़ने निकले हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद लेने के बाद पदयात्रा की शुरुआत हुई है। 18 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। मां शाकंभरी का दर्शन करके हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और हमारी यूपी यात्रा यहां से शुरू हो रही है, जो निश्चित तौर से यहां से निकलकर लखनऊ तक जाएगी। और हम सब लोगों ने मां से प्रार्थना किया कि ये यात्रा मां सफल हो, अच्छे से हमारे साथ सभी वर्ग जो आज परेशान है, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, आम आदमी, व्यापारी, सब लोग इसमें पूरा सबका सहयोग मिले, साथ मिले।